या हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आज की वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस में मल्टी साइट कैसे सेटअप करते हैं और हम लोग उसको कैसे अलग अलग जैसे यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं, और किसी मान लो एक यूजर को दूसरी साइट का एक्सेस देना है, हमको नहीं देना है। ये सब मल्टी साइट का बेनिफिट ये है कि आपको अलग अलग डाटाबेस नहीं बनाना पड़ता। एक ही डाटाबेस सब साइट होती है ना, एक ही इंस्टेंस है डाटाबेस का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने डोमेन पे ये वर्डप्रेस की फाइल अपडेट कर ली, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे उसको पहले सिलेक्ट ऑल करके मूव करता हूँ मेन फोल्डर में। ठीक है, ये हो गया। अब ये वर्डप्रेस का फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब चाहे तो ये भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना, डाटाबेस जैसा आप डाटाबेस बना लीजिए, मैंने डाटाबेस का यूज़र बना लिया है सी पैनल पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस का सेटअप आ गया है। ये डाटाबेस का नाम मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटाबेस का नाम ये रहा। ना, यूज़र का नाम ये रहा। पासवर्ड मैंने बना लिया था तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये देता है मल्टी साइट का, लिए सबमिट करता हूँ। ठीक है ना, तो मैं देता हूँ मल्टी साइट फॉर सब फोल्डर। ठीक है, यूज़र नेम दे देता हूँ मैं एडमिन, पासवर्ड में ये कर लेता हूँ, ईमेल मेरा देता हूँ। ठीक है, ये वाला डिस्करेज इंस्टॉल वर्डप्रेस, इसको पासवर्ड को मैं सेव कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, क्या था, एडमिन और पासवर्ड ये रहा। ठीक है, ये हो गया मल्टी साइट। ठीक है ना, तो ये हम लोग अभी इसकी वर्डप्रेस सेटअप कर लिया। मल्टी साइट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वो ऐड करना पड़ता है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने वर्डप्रेस का सेटअप कर लिया। अब हमको मल्टी साइट सेटअप करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, पहले आपको डब्ल्यू पी कन्फिग में जाना पड़ता है, इसको एडिट कर लीजिए। ठीक है, और ये वाला कोड ऐड कर दीजिए, यहाँ पे जो लिखा है ना, दैट्स ऑल स्टॉप एडिटिंग, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेव कर दीजिए। यहाँ पे अब आपको रिफ्रेश करना है, कर दिया आपने रिफ्रेश। अब यहाँ पे जाके देखिए, टूल्स पे जाना है, ये नेटवर्क सेटअप पे जाना है। ठीक है, तो आप देखिए, सब डोमेन्स क्लिक कर सकते हैं, सब डायरेक्टरी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सब डोमेन्स में क्या होगा, जैसे आप ऐसे सब डोमेन बना सकते हो अपने आप, है ना, तो इस पे साइट चलने लगी, जैसे ब्लॉक्स डॉट आपका डोमेन जो है, ये सब डोमेन बना सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने कर रखा है, लेकिन आपको बस एक छोटी सी सेटिंग करनी रहती है अपने अपने जो सी पैनल, उसमें वैसे हम लोग सब डायरेक्टरी क्लिक करते हैं। ठीक है, अपना टाइटल डाल दीजिए और ईमेल डाल दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, अभी ये करना, जैसे ये कॉपी करके बोल रहा है डब्ल्यू पी कन्फिग में पेस्ट कर दीजिए, तो जहाँ पे मैंने पेस्ट किया था वहीं पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। इसमें सब डोमेन इंस्टॉल फॉल्स है, हम लोग ट्रू कर सकते हैं तो सब डोमेन का आ जाएगा। ठीक है, और ये हमको डालना है एच टी एक्सेस में, तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे एच टी एक्सेस आपको यहाँ पे पहले सेटिंग्स में जाके हिडन शो करना पड़ेगा, तभी जाके ये एच टी एक्सेस दिखेगी, तो इसको एडिट कर लीजिए पहले। ठीक है, ये जो है ये इसको पेस्ट कर लीजिए, है ना, इसको मैं यहाँ से एक एक्सेस देता हूँ सेव। ठीक है, ये मैंने दोनों फाइल सेव कर ली, एच टी एक्सेस और डब्ल्यू पी कन्फिग। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, जो मेरे को पासवर्ड था वो मेरे को डालना है मेरा। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है ये। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है अभी। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है ना, जैसे आप डब्ल्यू पे एडमिन अपन डोमेन पे करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे साइट्स पे दिख जाएगा नेटवर्क एडमिन और
ये जो आपने एक साइट बनाई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखिए, इसका मतलब क्या, नेटवर्क के हम लोग यहाँ से साइट बना सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं, और जो दूसरा हम लोग का वेबपेज है उसमें हम लोग खाली डैशबोर्ड ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप इसके डैशबोर्ड पे चले जाइएगा, ठीक है। तो इसका डैशबोर्ड अभी खाली यही है, डब्ल्यू पी एडमिन नेटवर्क, तो नेटवर्क पे आ जाएंगे हम लोग। नेटवर्क क्या, सारा वेबसाइट्स को मैनेज करता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाके साइट्स पे जाके देख सकते हैं अभी कि हमारे पास एक साइट है और इसका ये है, ठीक है, मेन साइट है, ठीक है। तो आप जैसे इसके डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए कि जैसे कि आप मेन डोमेन को डब्ल्यू पी एडमिन नेटवर्क लेंगे तो पूरा नेटवर्क साइट रह जाएगा, और जो मेन डोमेन का डब्ल्यू पी एडमिन तो उसमें डब्ल्यू पी एडमिन हो जाएगा। जैसे आपको प्लगइन्स प्लगइन्स सब दिख जाएंगे, यूजर भी दिख सकते हैं, है ना। आपके सुपर एडमिन है अभी, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, एक नई साइट बना के बताता हूँ, ठीक है। फिर आप ये समझ लीजिए, जैसे नेटवर्क एडमिन में आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को अभी मेरी अभी एक साइट है जिसका टाइटल ये है और इसमें ये सब फीचर्स हैं, है ना। यूजर्स में जाके देख सकता हूँ, तो मैं अभी सुपर एडमिन हूँ, है ना। और साइट्स में जाके एक साइट दिखाई, थीम्स में जाके आप देख सकते हैं कि थीम्स अभी यहाँ पे इतनी तीन है लेकिन एक अभी इंस्टॉल है। प्लगइन्स में जाके देख सकते हैं कि दो प्लगइन है लेकिन अभी कुछ भी अभी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। तो आप जाके देख भी सकते हैं, जैसे मान लो कि इस पे जाके देख सकते हैं डैश के डैशबोर्ड पे, प्लगइन्स में जाके अगर मैं जाऊँ तो कोई भी एक्टिवेट नहीं है, है ना। तो थीम्स में जाके देखूँ तो एक ही थीम अवेलेबल है यहाँ पे है। तो ये बेनिफिट रहता है कि हम लोग एक ही जगह से सारी प्लगइन मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लो उसको नेटवर्क एक्टिवेट किया तो ये सब में एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ये अभी मेरे को ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ का सुपर एडमिन हूँ। अगर मैं वाला एडमिन नहीं तो ये मेरे को प्लगइन्स का ऑप्शन ही नहीं दिखता यहाँ पे, ठीक है। ये मैं अभी सुपर एडमिन हूँ तो ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो अब इतना समझ गए कि, है ना, कि डब्ल्यू पी एडमिन में मैं सुपर एडमिन हूँ तो मेरे को क्या क्या फंक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं नेटवर्क पे हूँ तो मैं क्या करता हूँ, साइट एक पहले एक हम लोग नई साइट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ऐड न्यू साइट करता हूँ, मैं जाता हूँ ब्लॉक्स साइट, ठीक है। साइट टाइटल दे देता हूँ मैं ब्लॉक्स वेबसाइट एडमिन का। अगर जैसे मेरे को कोई नया इसमें एडमिन बनाना है तो मैं देता हूँ, ये मैंने अपना नाम दे दिया है, राहुल ब्लॉक्स, राहुल कर देता हूँ ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल आईडिया प्रॉपर दीजिएगा, अभी मैं दे देता हूँ, कोई भी ऐड सेट करता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं ठीक है, तो ये मैंने बना दी है ब्लॉग साइट, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हुआ हो रहा होगा आपको कन्फ्यूज़न, ठीक है। मैं आपको बताता अभी क्या हो क्या है। हमने अभी इसमें, मैं एज अ सुपर एडमिन इसमें लॉग इन हूँ, ठीक है, नेटवर्क साइट में। तो क्या होता है, मैं सब चीज़ें कर सकता हूँ इसमें, नेटवर्क बना सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ, यूजर्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी दो साइट ऐड करी है, ठीक है, इस पर अभी, है ना। तो इस साइट पे जैसे अगर मैं इस साइट के डैशबोर्ड पे चले जाऊँ, मेन साइट है, इसमें हमें सब चीज़ें देख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ब्लॉक्स वाली साइट के चले जाऊँ तो इसमें भी मैं प्लगइन्स देख सकता हूँ क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ। अगर मैं इसके यूजर्स पे जाऊँगा तो मैं देखिए अभी यही दिख रहा है इसमें आपको, ठीक है। लेकिन मैं एज अ सुपर एडमिन लॉग इन हूँ तो उसमें मैं कर सकता हूँ वहाँ से लॉग इन सब में, लेकिन अभी ये ब्लॉक साइट का ही है तो उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं आपको वही बताता हूँ करके। तो क्या कर सकते हैं हम अभी, इसका पहले तो मैं ये ब्लॉक साइट है इसका, इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सुपर एडमिन तो मैं कर सकता हूँ इसे सेट पासवर्ड करके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं इसका पासवर्ड सेव कर लेता हूँ, है ना। और इसका यूजर्स जैसे ये है,
मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसका WP जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ये। अब मैं क्या इसको इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं ये इसको मैं यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लॉक साइट में आ गए है ना। अब जो जैसे इस यूज़र है तो उसको बाकी साइट्स का पता नहीं चलेगा है ना, और यूज़र्स में भी जाके देखेगा तो वो यूज़र्स में एक ही यूज़र दिखेगा, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और प्लगइन्स का देखिए, प्लगइन्स का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि ये खाली एडमिन है और हमने उसको फीचर नहीं दिया है। वो चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे यूज़र्स में जाइएगा, ये कर मैं एडिट करूँ है ना, तो इसमें वो शायद से नेटवर्क सेटिंग्स में आता होगा है ना। तो ये नेटवर्क की सेटिंग से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जैसे कोई भी जैसे वेलकम ईमेल वो सब जो यूज़र को जाता है वो सब चीज़ें जाती हैं है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन ऐसे कर सकते हैं कि अनेबल एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू, तो ये प्लगइन्स मैं उसके लिए भी एक्टिवेट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए कि भाई अपने यूज़र बना दिए खाली, वो खाली पेजेस ऐड कर सके, पोस्ट ऐड कर सकते, मीडिया ऐड कर सकते, तो आपको ये फंक्शनलिटी देनी है। मैं आपको फिर भी करके बताता हूँ, ये देखिए। अब उसके लिए भी प्लगइन्स आ जाएगा वो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है ना। तो वैसे मैं अभी चलो मैं एक्टिवेट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी हम तक हमने क्या किया, एक फुल नेटवर्क साइट सेटअप करी सब फोल्डर वाली है ना, जिसमें हमने मैं एज अ सुपर एडमिन हूँ। मैं यहाँ पे जैसे साइट्स पे जाऊँगा तो मेरे को दो साइट दिखेंगी, इसमें यूज़र्स एक एक है, ठीक है। अब मैं यूज़र्स में जाऊँगा तो यहाँ पे एक सुपर एडमिन जिसमें मेरे को ये वाला एक्सेस है, और ये ब्लॉक साइट को उसको ये वाला। अब मैं चाहूँ तो अब जैसे यहाँ पे मेरे को दिखानी कि मेरे को दोनों साइट दिखे यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो आप चाहते तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं उसको, डैशबोर्ड जाके एज अ सुपर एडमिन है आप तो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहते तो यहाँ पे भी देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए एडिट, नहीं इसको यहाँ पे करिए, साइट्स में जाइए है ना, इसके इसको एडिट करिए, यूज़र्स में जाइए, ठीक है। ऐड एग्जिस्टिंग यूज़र्स, तो मैं अपना ही डालूंगा ईमेल आईडी। एग्जिस्टिंग यूज़र में ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो देखिए मेरा ये आ गया। इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, इस साइट के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब मेरे को दोनों साइट दिखेगी। अब मैं यूज़र्स में जाऊँगा जैसे, तो देखिए सुपर एडमिन मेरे को दोनों अपनी साइट का यूआरएल दिखेगा। इस ब्लॉग वाली साइट को खाली इसका ही है, चाहते हो तो आप इसको भी दे सकते हैं, वही एडमिन साइट में जाके उसको अपना देना पड़ेगा आपको एक्सेस। इतना समझ गए आप है ना। अगर आपको चाहते हो कि जैसे मान लो आपको सब डोमेन वाली 30 साइट बनानी है ना, तो आप सब डोमेन की साइट यहाँ पे देख सकते हैं, सुपर एडमिन ऐड कर सकते हैं, एक सब एडमिन सब में चलेगा है ना। बाकी आप चाहें तो इसको, इस यूज़र को खाली इस साइट का एक्सेस दे सकते हैं, पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप है ना। ये तो मेरा डैशबोर्ड है उसका। अब मैं दूसरी से चले जाता हूँ, ठीक है। किस पे क्या क्या एक्सेस है उसको, इस पे प्लगइन्स का हमने ऑप्शन किया तभी ये एक्टिवेट कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं जैसे वो उसको चाहे कि इसमें नया यूज़र ऐड कर सकता, तो वो अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि एग्जिस्टिंग यूज़र ही कर सकता। अगर हम चाहें तो वो फंक्शन दे सकते हैं यहाँ से जाके, कहाँ से नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। ये यूज़र्स तो ये भी कर सकते हैं आप है ना, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हाँ, अलाउ साइट एडमिनिस्ट्रेटर टू ऐड न्यू यूजर्स, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे मैं इसको सेव चेंजेस कर सकता हूँ। ये देखिए, अब ये न्यू यूज़र भी ऐड कर सकता है, जैसे मान लीजिए ऐड न्यू यूज़र भी कर सकता है। पहले एग्जिस्टिंग यूज़र ही आता था, अब न्यू यूज़र भी ऐड कर सकता है, तो ये फंक्शनलिटी भी हम लोग इसको दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई। हमने पहले साइट सेटअप करी, इसमें हमने जाके है ना, और हमने इसको यूज़र्स कैसे बनाए, हमने ये दे दिए कि एक में है ना मेन ये साइट है, इसका हमने ब्लॉक साइट बनाई, इसमें एक यूज़र, इसमें दो यूज़र, क्योंकि मेरा भी वो दूसरे का जो बना हमने वो भी है। यहाँ से जाके आप सारा यूज़र्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे मेन मजा कैसा आता है कि जैसा मान लो प्लगइन है, नेटवर्क एडमिन में चाहेंगे तो सारे में एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अगर आप इस साइट में चाहेंगे तो उसमें भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये प्लगइन मेरे को खाली इसमें ही एक्टिवेट करनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें कर दी, इसमें नहीं हुई। अगर मैं चाहूँ तो उस दोनों में कर दूँ, तो नेटवर्क एक्टिवेट करूँगा तो ये देखो सब में एक्टिवेट हो जाएगी, इसमें भी एक्टिवेट हो जाएगी, है ना। क्योंकि नेटवर्क जो सब में एक्टिवेट हो जाएगी वो, ठीक है। ये देखिए आपकी नेटवर्क आ गया ना अपने आप, है ना। अगर मैं नेटवर्क डीएक्टिवेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे वो खाली इस साइट के लिए, पर्टिकुलर साइट के लिए एक्टिवेट कर सकता है। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है, आप समझ गए ना। जैसे मान लो कि नेटवर्क एक्टिवेट चाहे तो 30 की 30 साइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर साइट में जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है ना। तो थीम भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं, थीम एक एक्टिवेट है, इसमें आप एलिमेंटर के प्लगइन डालिए, अलग अलग आप थीम बना सकते हैं, हेडर फुटर और अपना वो बना सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको थीम का भी बताता हूँ, थीम एक्टिवेट करनी है हमको। तो ये अगर जैसे मैं यहाँ पे करूँगा नेटवर्क एक्टिवेट, देखते हैं क्या होता है। तो ये दोनों एक्टिवेट हो गई। तो ये देखिए मैंने ये दोनों एक्टिवेट करी, तो ये अब ये यहाँ पे जाके जैसे यूज़र से इसमें एक्टिवेट 23 भी कर सकता है। इसमें 23 कर दी, और मैं जो WP एडमिन, इसमें कौन सी देखते हैं कौन सी थीम एक्टिवेट है, इसमें 24 ही है। देखिए कितना बेनिफिशियल, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसकी जैसे कि एक साइट के लिए मैंने ये थीम एक्टिवेट करी, दूसरी साइट के लिए मैंने ये थीम एक्टिवेट करी, पर्टिकुलर साइट के लिए मैं प्लगइन भी पर्टिकुलर सेट कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। बस ये कि आपको मेन प्लगइन जो आपको यहीं पे एक्टिवेट करानी पड़ेगी, जो साइट एडमिन है उसमें आपको एक्टिवेट करानी पड़ेगी सुपर एडमिन से बोल के। जैसे मान लो आपको कोई नया एक्टिवेट प्लगइन करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई सा भी मैं करता हूँ आपके लिए, कौन सा करूँ, इसमें से ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिवेट नहीं करता, मैंने खाली भी इंस्टॉल किया है। तो प्लगइन्स में जाके मैं जाके देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके वो चेक करेगा दूसरा कि भाई प्लगइन आया कि नहीं, तो आ गया है। मेरे को इस साइट के लिए एक्टिवेट करना, तो मैं इस साइट के लिए एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। आगे आपको समझने, हेल्थ चेक भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये ऐसे कुछ उसमें सुपर एडमिन कोई होगा मेरे हिसाब से, इसमें हेल्थ चेकअप का, तो ये आप कर सकते हैं। पेजेस में जाके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐड न्यू पेज करता हूँ, ब्लॉग साइट, ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ अभी इसके लिए। ठीक है, अब पेजेस में जाके देखता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा दूसरा डैशबोर्ड है, जो मेन साइट है, उसमें आया कि नहीं। उसमें नहीं आया। कितना बेनिफिशियल, एक ही डाटाबेस है, एक ही पूरी साइट के सबका साइट का डाटाबेस है, लेकिन पेजेस भी अलग अलग है। इस साइट में खाली जो पेजेस आपने बना वो दिखाएंगे, इस साइट में जो पेजेस बना है अपने वो दिखेंगे, ठीक है। थीम भी एक्टिवेट अलग अलग कर सकते हैं, प्लगइन्स भी हम लोग अलग अलग एक्टिवेट कर सकते हैं। बस आपको मेन साइट में एक्टिवेट करनी पड़ेगी, बोलेगी कि इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, फिर बाकी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। पेमेंट गेटवे है तो वो भी आप कर सकते हैं प्लगइन, ऐसे रेजर पे कर करता हूँ, ठीक है। चलो मैं ये करता हूँ, रेजर पे कोई पेमेंट्स करता हूँ मैं, ठीक है। प्लगइन्स में जाता हूँ, ये देखिए आ गया रिजर्व पे का। अब की आप कुछ भी डाल सकते थे, ठीक है। ठीक है, सेव चेंजेस करता हूँ। अब ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है, जैसे कि मान लो आपने रिजर्व पे इस साइट में एक्टिवेट किया, है ना। तो इस साइट में तो एक्टिवेट मैंने किया ही नहीं था, है ना। फिर मैं जाके मैं एक्टिवेट करता हूँ, इसको देखता हूँ क्या होता है।
तो ये देखिए, हर साइट का आप अलग अलग पेमेंट डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे मान लो उसमें डालता हूँ, सेव, तो जो मेरी मेन साइट का है उसमें अलग डिटेल डाल दी मैंने, और जो ब्लॉक्स की साइट है उसमें अलग पेमेंट डिटेल डाल दी। तो आपको समझ आ गया कि आप कितना चीज़ें कर सकते हो उसमें। कुछ नहीं है, मल्टी साइट सेटअप करना आपको, फिर यहाँ पे एक यूजर्स कैसे बनाने हैं, थीम्स कैसे करनी है। थीम्स जैसे मान लो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं नेटवर्क में, सारी मान लो 10 थीम आपको अलग अलग, तो यहाँ पे 10 एक्टिविटी अनेबल, नेटवर्क अनेबल कर सकते हैं, फिर जिसको करना है वो एक्टिवेट वहाँ जाके कर सकता है। ठीक है ना, बस डिलीट नहीं कर सकते ये लोग, है ना, ये डिलीट तो वही नेटवर्क से ही होगा यहाँ पे। तो ये था पूरा मल्टी साइट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप मेरे को वीडियो पे कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।